कला के नाम पर काली के अपमान को लेकर सवालों में घिरी लीना कौन है और क्या है लीना का इतिहास, सारे सवालों का जवाब देंगे। मगर आपको उससे पहले माँ काली को लेकर विवादों में आई लीना का एक नया विवाद दिखाते हैं। जी, काली माँ विवाद को लेकर जन्म देने वाली फिल्म डायरेक्टर लीना ने एक बार फिर से ट्वीट किया है। लीना के इस ट्वीट में भगवान शिव और माँ पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। लीना ने गुरुवार सुबह 7:15 पर यह ट्वीट किया और ये फोटो शेयर किया। इस ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि कहीं और। वहीं इस ट्वीट में जिस फोटो को लीना ने शेयर किया है उसमें भगवान शिव और माँ पार्वती का रोल प्ले करने वाले दो शख्स सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस नए विवाद को लीना ने खड़ा कर दिया है। वहीं आपके मन में अब ये भी सवाल होगा कि ये लीना है कौन और क्या है माँ काली के विवाद पोस्टर को लेकर सुर्खियों में आने वाली लीना की कहानी। दरअसल लीना की कहानी भी कम फिल्मी नहीं है, क्योंकि जिस फिल्मकार के खिलाफ देश भर में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बवाल छिड़ा है, उस लीना की कहानी भी अब जान लीजिए। लीना का जन्म तमिलनाडु के मुद्रे में हुआ था, लेकिन वो हिंदुस्तान में नहीं कनाडा के टोरंटो में रहती हैं। लीना ने अपने कैरियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी। लीना कई इंटरनेशनल और नेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत चुकी हैं। लीना की रियल कहानी का एक किस्सा और भी है, और वो ये कि लीना का परिवार उनकी शादी की तैयारियों में लगा था और उसी वक्त लीना चेन्नई भाग गई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मालूम नहीं, लेकिन उनकी कहानी के साथ इस किस्से का जिक्र भी किया जाता है। 2002 में लीना ने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री मथम्मा बनाई। 2004 में लीना ने दलित महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर डॉक्यूमेंट्री पराई बनाई। वैसे तो लीना की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद पहले भी हुए, लेकिन इस बार मामला आस्था से जुड़ा है, काली के अपमान से जुड़ा है और सवाल अभिव्यक्ति की आजादी पर उठ रहे हैं कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी धर्म के अपमान की इजाजत है। साफ है देश भर में फिल्म काली के पोस्टर को लेकर घमासान मचा हुआ है। काली पर शुरू हुआ ये विवाद कहां जाकर खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। वैसे डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर लीना के खिलाफ लखनऊ, दिल्ली, गोंडा, लखीमपुर खीरी और रतलाम के साथ साथ देश के कई हिस्सों में FIR दर्ज हो चुकी है। खैर, पहले काली पर विवाद और अब शिव पार्वती पर बवाल। सवाल ये कि आखिरकार ये बवाल कहां जाकर थमेगा और क्या लीना का ये ट्विटर पर खेल आस्था के अपमान के लिए जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।